नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे रील की, यानी वी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की। बिल्कुल, इससे संबंधित एक बड़ी खबर निकल के आ रही, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे पूरा, और लास्ट में प्राइस एक्शन भी देखेंगे इसका कि क्या करना चाहिए आपको। चलिए शुरू करते हैं। द एंटरटेनमेंट ऑन फ्राइडे सेड दैट इट हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज BSE and NSE फॉर इट्स प्रपोज मर्जर विद सोनी पिक्चर। बिल्कुल, यहाँ से इनको अप्रूवल मिल गया है BSE और NSE से कि भैया इनका मर्जर होने वाला है सोनी पिक्चर्स के साथ। बिल्कुल, ये देखिए, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें सब चल रही थी खबरें वबरें, अभी यहाँ पर BSE और NSE से अप्रूवल मिल गया है नेटवर्क्स इंडिया। द प्रपोज मर्जर विद कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड फॉर्मली सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड, बिल्कुल पहले इस नाम से था जो कि अभी इस नाम से है, हैज बीन अप्रूव्ड बाय द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेड अ स्टेटमेंट फ्रॉम जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड जील। तो ये एक बड़ी खबर है, ये आपको एक मूव देखने को अच्छा मिल सकता है। हालांकि पिछले कई दिनों से एक अच्छा इसने रिवर्सल दिखाया हुआ है, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ तो मैंने बताया था इसको। बात करें अगर इसके कामकाज की, तो आप जानते हैं ये मीडिया हाउस से है, मीडिया घराने से संबंधित है, तो मीडिया से इसका कामकाज है, बाकी और भी चीज़ें हैं। बात करें अगर इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप 24,311 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर बात करें 14.8%, ठीक है। ROE थोड़ा सा कम है 9.98, जनरली 15% या उससे ऊपर रहता है तो ठीक रहता है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 3.98% है, काफ़ी कम है। प्लेज परसेंटेज उसका भी प्लेज है, हो रखा है 5.38%। डेट की बात करें तो 76.3 करोड़ है, इतने बड़े मार्केट कैप के हिसाब से काफ़ी कम है डेट, कोई दिक्कत नहीं है, 0.01% है। हाई और लो की बात करें तो 167 का लो लगाता है, 379 का हाई लगाता है, और अभी का जो प्राइस है वो चल रहा है 253 रुपये। बात करें इसके प्रॉज एंड कॉन की, तो 3 कॉन्द हैं और 4 कॉन्द हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। बात करेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स अभी मार्च में 2022 में 2323, उससे पहले 2113, उससे पहले 1979, उससे पहले 1775, तो पिछले 4 क्वार्टर में आपको एक बढ़िया अपट्रेंड देखने को मिला है। बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर 182 ही पिछले साल से डाउन देखने को मिला है, उसका पहले उससे पहले 270 था, 214, 276, 494 करोड़, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसा वाला ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वार्टरली लेवल पे इतना मैटर नहीं करता, मैटर ज़्यादा करता थोड़ा ईयरली लेवल पे। बात करें अगर सेल्स की, ईयरली लेवल पे सारी वैल्यू करोड़ में है, मार्च 2022 में 8,189 करोड़, मार्च 2021 में 7,730 करोड़, उससे पहले 8,130 करोड़, उससे पहले 7,934, 6,686, तो यहाँ पर आपको एक अपटेंड नज़र आ रहा है, ये अच्छी चीज़ है। बात करें अगर नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी आप देखिए 965 करोड़ बहुत बढ़िया है, उससे पहले 800 करोड़, उससे पहले 526 करोड़, उससे पहले 1567 करोड़, तो ये आपको अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर पिछले 3 सालों में आपको एक अपटेंड आता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें अगर रिजर्व्स की, तो रिजर्व देखिए 81,767 करोड़ मार्च 2022 में मेंटेन किया, उससे पहले 9,998 करोड़, 9,988, तो रिजर्व्स में भी आपको बढ़िया अपटेंड दिख रहा है, और लगातार यहाँ पर कंपनी अपने अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है। बात करें FII तो DIS की, प्रमोटर होल्डिंग की, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यहाँ पर आपको देख रहे हैं 3.99 काफ़ी दिनों से हैं, मार्च 2021 से FII देखिए अच्छे खासे हैं यहाँ पर 39.18%, और DIS की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी आपको ज़बरदस्त DIS देखने को मिल रहा है 30.51%, गवर्नमेंट भी 0.15%, और बाकी पब्लिक है, जो बचा कुचा है वो पब्लिक के पास है। बात करें इसके रिटर्न की, तो वनडे में आप देखेंगे 2.51% का रिटर्न दिया, अच्छा मूव दिखाया, इतने लगभग 6.20 रुपये भागा है। वन वीक के रिटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर 4.86%, वन मंथ के रिटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर 15.96% के रिटर्न दिए इसने, वन ईयर की बात करेंगे तो 25.07%, फाइव ईयर की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पर आपको फाइव ईयर में इसने लगभग आधी कैपिटल इसने आपकी ख़त्म कर दी 53.42% माइनस में, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो 17.44%। तो यहाँ पर एक मुझे ऐसा दिखता है कि यहाँ पर एक मौका है इसमें एंट्री बनाने का, खैर वो आगे डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। बात करें एंट्री मंड की, तो नॉट अ गुड टाइम टू कंसीडर, स्टॉक ओवरबॉट जोन में है बिल्कुल, इनके हिसाब से कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ASM लिस्ट में है और ना ही GSM लिस्ट में है, ये भी अच्छी चीज़ है। बात करें सेक्टर के PE की, तो -280.9 और 25.21 कंपनी भी है, इसके हिसाब से बहुत महंगा है, लेकिन 25-30 का PE जनरली ठीक रहता है, तो ठीक है इसके हिसाब से, बाकी 82% एनालिस्ट इसको खरीदने की सलाह भी दे रहे हैं। बात करें अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट की, सारी वाली 1,000 करोड़ में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली एकदम सेम टू सेम चल रहा है पिछले साल से, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं एक
अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करें अगर प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट यहाँ से आपको थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखा, फिर यहाँ से आपको पिछले 2 सालों में 21 और 22 में एक अप ट्रेंड आपको यहाँ पर दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें इसके वॉल्यूम की, तो ये देखिए 2 करोड़ का वॉल्यूम इसने कल जनरेट किया है, ज़बरदस्त। उससे पहले शुक्रवार को भी 2 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट किया था, 22.64% डिलीवरी परसेंटेज था यहाँ पर। 1 वीक का डिलीवरी परसेंटेज 23.43 है, और 1 करोड़ का वॉल्यूम और 1 मंथ का एवरेज अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो 67 लाख, और डिलीवरी परसेंट 25.70% का है। तो अच्छा खासा ये वॉल्यूम जनरेट कर रहा है इस समय, और 2 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट किया, आपको अच्छा मूवी देखने को मिल सकता है। बात करें प्रीवेट लेवल्स की, 251 ये तो टूट ही गया, बचा हुआ 2 रेजिस्टेंस, तो 256, यहाँ पर 260 दो रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला 243, 239 और तीसरा है 234 का। बात करते हैं इसके चार्ट की, तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये दिख रही है। अब यहाँ पर देखेंगे वनडे की कैंडल में, आपको पहली बार तो RSI मजबूत दिख रहा है एकदम ज़बरदस्त 72, और यहाँ पर आपको एक ये अपट्रेंड होता है, अपट्रेंड ज़बरदस्त नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि 50, 100 और 200 EMA के एकदम बिल्कुल वहीं पर इसने क्लोजिंग दी है 252 रुपये पर। अगर इसके ऊपर एक दिन कैंडल बनती है और सस्टेन करती है, यानी कि प्रॉपर एक कैंडल फॉर्म होती है और इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो ये बहुत बड़ा और पॉजिटिव साइन होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये निकलने वाला है, बिल्कुल 100% निकलेगा। और यहाँ पर आपको 300 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और ये मूव इसमें बढ़िया एक आने वाला है देखिएगा, और 300-350 के टारगेट भी आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य रखना होगा, ये नहीं कि आज ही भाग जाएगा ये, ठीक है। और रही बात जिन्होंने ऊपर ले रखा है, तो बिल्कुल आप, मेरी सलाह उनको यही है कि आप इसको होल्ड करिए, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री होगी, फंडामेंटल ठीक है। और अभी ये मर्जर जो हुआ, ये भी एक बड़ा अच्छा वो मामला है। बात करें अगर वीकली लेवल पे, तो वीकली लेवल पे भी आप देखेंगे यहाँ से आपको, लेकिन अभी ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है, और लगभग ये ट्रेंड लाइन जो है ये यहाँ पर जो है अभी इस समय जो है ये थोड़ा सा क्रूशियल जगह पे ही है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने पीछे आपको बताया है। बात करें अगर मंथली लेवल की, तो मंथली लेवल पे भी आप देखेंगे लगातार यहाँ पर 3 महीनों की गिरावट, फिर उसके बाद लगातार 2 महीने, और जहाँ पर पिछले महीने था वहीं पर अभी भी है। तो मंथली लेवल पे भी आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन वाला फेज दिख रहा है पिछले 3 महीने से, तो यहाँ से अगर नीचे जाता है तो फिर एक तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो और नीचे जाने की संभावना हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी है 230 और 220 के नीचे जाने वाला है, ठीक है। चलिए, और बाकी जैसा मैं अपने वीडियो में, हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ होते हैं, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। इसलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, और बेल आइकन भी दबा दिया करिए। धन्यवाद, मोटिवेशन मिलता है।